पुलवामा में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मारा क्रॉस फायरिंग में एक जवान शहीद। शत्रुघ्न सिन्हा ने शिवराज सरकार पर कसा शिकंजा ट्वीट करके लिखा, एमपी में भाजपा तीन खेमे में बटी। केनरा बैंक और महाराष्ट्र के बाद अब एचडीएफसी ने भी लोन की ब्याज दरों में कटौती की, नई दरें 7 जुलाई से लागू। रेलवे का 24,000 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान, कोरोना से पहले यात्रियों से हर दिन 153 करोड़ की होती थी कमाई। बीएसएनएल ने लॉन्च किए 94 और 95 रुपए के दो प्लान, इसमें फ्री कॉलिंग और डेटा के साथ मिलेगी कई सुविधाएं। भारत के बाद यूएस में भी चीन पर सख्ती, अमेरिका में टिकटॉक समेत कई चाइनीज ऐप हो सकते हैं बैन। सूरत में ट्रैफिक पुलिस 21 दिन तक नहीं वसूलेगी जुर्माना, लोगों की आर्थिक समस्याओं को देखते हुए लिया फैसला। डीजल के दामों में फिर आई तेजी, दिल्ली में डीजल 22 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। नेपाल में सियासी संकट जारी, प्रधानमंत्री ओली और मुख्य विरोधी प्रचंड लगातार चौथे दिन की बातचीत जारी। 173 अंकों पर खुला बीएसई, अब तक की फ्री ट्रेडिंग में उतार चढ़ाव के बीच अभी 94 अंक ओपन, निफ्टी में 11 पॉइंट की बढ़त।